दिवाली दे त्योहार कारण बाजारां दे विच रौनक सोने चांदी दीआं कीमतां दे विच वाधा दुकानदारां अते दुर्गा माता मंदिर दे पंडित ने भी जानकारी दित्ती। जी हां, देश भर दे विच धनतेरस अते दिवाली दे पवित्र त्योहार पूरे उत्साह नाल मनाए जा रहे हैं, जिस कारण बाजारां च भारी उत्साह देखण नूं मिल रहा है। इस दे नाल ही पिछले दो सालों तो चांदी की कीमत च लगातार वाधा हो रहा है। मौजूदा स्थिति की गल करिए 24 कैरेट सोना 80,000 रुपए प्रति तोला और चांदी 1,00,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल बिक रही है। हालांकि सोने चांदी दीआं कीमतां अंतरराष्ट्रीय कारोबार अते बाजार दीआं स्थितियां दे हिसाब नाल तय हुंदियां हन, पर मौजूदा स्थिति अजिही है कि पिछली जनवरी तो अक्टूबर तक सोने चांदी दीआं कीमतां च रिकॉर्ड तोड़ 23% दा वाधा होया है, जो कि सोने दीआं कीमतां विच हुण तक दा सब तो वध वाधा है। सोना महंगा होण कारण लोग सोच समझ के खरीद रहे हैं। धनतेरस के त्यौहार से लोग सोने और चांदी के भांडे खरीदते हैं। बाजारों में रौनक नहीं है, पर लोग खरीदारी में कुछ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसके साथ ही इस संबंधी गलबात कर रहे लुधियाना की सराफा मंडी के जनरल सकत्तर विनोद गोयल ने दसिया कि बाजार में तो जोश है, पर इस नाल लोगों की खरीदारी काफ़ी प्रभावित हुई है। इस अलावा उन्होंने गोल्ड टेस्टिंग बारे भी जानकारी दी। इस धनतेरस त्यौहार बारे जो दुर्गा माता मंदिर के पंडित नाल गलबात की गई तो उन्होंने कहा कि पवित्र त्यौहार पूरे देश में बड़े उत्साह नाल मनाया जाता है। इस दिन लोग नवे गहने अते भांडे खरीदते हैं ता जो उन्होंने घर साफ सुथरे भांडे या कोई साफ सुथरी चीज आ जाए। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि दिवाली नूं लैके लोगों विच परेशानी है। उन्होंने अगे कहा कि कुछ लोग 31 तरीक नूं मनाउण बारे सोच रहे हैं अते कुछ लोग किसी होर तरीक नूं मनाउण बारे सोच रहे हैं। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 82 ਈਅਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੋਨਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਨਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਹਾਲ ਮਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 35,000 ਰੁਪਇਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ 80,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਗ੍ਰਾਮ। ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਧਨਤੇਰਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਹੁਣ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਲਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ 80 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। सर, जैसे दीपावली आपने बताया कि 1 नवंबर को मनाई जानी चाहिए, 1 नवंबर को सबसे शुभ दिन है, तो अगर धनतेरस की बात की जाए तो धनतेरस का त्यौहार को लेकर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है, तो वो किस दिन का मनाया जाता है इसमें? मैं तो बहुत परेशान हो जाता हूँ ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन को लेके। लोग कन्फ्यूजन ऐसा पैदा क्यों करते हैं? क्योंकि जो चीज़ें स्पष्ट हैं उसको स्पष्ट ही रहने देना चाहिए। धन त्रयोदशी का जो संबंध है वो प्रदोष काल से है, तो जो द्वादशी तिथि है वो 29 तारीख को 10:30 बजे तक रहेगी द्वादशी। 29 तारीख को ही त्रयोदशी लग जाएगी और अगले दिन 30 तारीख को 1:16 तक रहेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो धन त्रयोदशी है वो 29 तारीख को है, प्रदोष भौम प्रदोष है उस दिन, तो 29 तारीख को स्पष्ट है। और खूब खरीदारी करनी चाहिए, खूब बढ़िया से घर में अपने अच्छे अच्छे सामान अच्छी अच्छी चीज़ों का जो है ले आना चाहिए। 29 तारीख को मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार को खास करके अगर धनतेरस की बात की जाए तो किस देवी देवता की पूजा ज़्यादा की जाती है, किसकी पूजा ज़्यादा करनी चाहिए और क्या क्या विधि रहेगी उसके बारे में? धन त्रयोदशी को तो वैसे ही मंगलवार है, बढ़िया है, मंगलवार यानी कि मंगल करना है, तो धन त्रयोदशी और भी ज़्यादा शुभ हो जाता है जब मंगलवार को पड़ जाए। वैसे दिन तो सारे ही शुभ हैं, तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि धन त्रयोदशी को लक्ष्मी और नारायण जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के साथ भगवान कुबेर जी की पूजा भी करते हैं
और लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने सामर्थ्य के अनुसार ख़रीदारी भी करते हैं, सोना चांदी। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना होता है वो गणेश जी को और लक्ष्मी जी को भी अपने घर में लेके आते हैं। कुछ लोग तो सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण के भी लेके आते हैं, चांदी के भी लेके आते हैं। बहुत अच्छा है, लोग अच्छी अच्छी ख़रीदारियाँ करते हैं, जैसे गाड़ी लेके आते हैं, बाइक लेके आते हैं। और हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने तो अपने पत्नी को धन त्रयोदशी के दिन एक घर बना के गिफ्ट किया था। वो प्लॉट भी लिए, किसी को नहीं पता था, बनाया भी किसी को नहीं पता था। वो ये कहते थे कि मेरा कोई एक अनुष्ठान चल रहा है जो 4-5 महीने तक चलेगा। बाद में वो जब वो धन त्रयोदशी को अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया उन्होंने, तो सब लोग हैरान रह गए और बहुत अच्छा लगा। और वो दीपावली फिर अपने घर में मनाए। तो ऐसे ही अपने भाई को, बहनों को, माताजी को, पिताजी को और जो भी सगे संबंधी, उनको कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए, अच्छा होता है। अगर बात की जाए तो अलग अलग राशियों के हिसाब से, जैसे अलग अलग जो है वो सोने चांदी और तांबे आदि की जो खरीदारी करनी चाहिए, बर्तन खरीदने चाहिए, तो कौन सी राशि के लिए क्या, मतलब उसके बारे में भी कोई खास महत्व है इसकी भी? हाँ, इसका तो बड़ा महत्व है। जैसे मान लीजिए राशि के अनुसार खरीदारी करने पर थोड़ा महत्व बढ़ जाता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति के लिए शुभ होते हैं, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो उसके लिए अशुभ कारक होते हैं। तो जो शुभ कारक ग्रह होते हैं, यदि हम उनके वस्तुओं का खरीदारी करते हैं तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि सिंह लग्न हो, सिंह लग्न वालों के लिए सोना खरीदना बड़ा अच्छा माना जाता है। थोड़ा लोहे की खरीदारी ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तांबे की खरीदारी करें तो अच्छा है, उनके लिए सोना की खरीदारी करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसा कुछ राशि के हिसाब से, कुछ जन्म कुंडली के हिसाब से बेहतर माना जाता है। तो सर, क्या क्या जो खास चीज़ें उनका ध्यान रखना चाहिए धनतेरस वाले दिन, क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए या जिन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा बता दीजिए, किस चीज़ों का जो हमारे लोग हैं वो ध्यान रखना चाहिए? सबसे बेहतर तो ये है कि धन त्रयोदशी को बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेके आनी ही चाहिए। धन त्रयोदशी को लोग धनिया खरीदते हैं, हल्दी की गांठें खरीदते हैं, कुछ कौड़ियाँ भी खरीदते हैं, कमलगट्टे खरीदते हैं। ये सारे धन को बढ़ाने वाले होते हैं, स्वयं भगवान का ही स्वरूप है लक्ष्मी। जो कमलगट्टा है जैसे कि, वो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हल्दी का संबंध है, विष्णु जी से भी संबंध है, और हल्दी का संबंध है औषधि, हमारे घर में निरोगी हों। धनिया का भी संबंध है धन से। तो इस तरह से ये ढेर सारी चीज़ें हैं जो खरीदना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं खरीदना चाहिए, कुछ ऐसे परंपरागत भी होती हैं तो उनका वो नहीं खरीदना चाहिए। तो सर, खरीदारी के लिए जो मंगलवार का दिन है वो कितना शुभ है और आम लोग उस दिन खरीदारी कर सकते हैं? हर व्यक्ति जो धन त्रयोदशी है वो दिन से कम है, तिथि से संबंध ज़्यादा है, इसीलिए उसका धन त्रयोदशी नाम पड़ा है। अगर यदि मान लीजिए कोई भी दिन पड़ जाए, 7 ही दिन हैं तो कोई भी दिन पड़ सकता है, तो उससे कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध ये है कि उस दिन भगवती का दिन है, भगवान लक्ष्मी और नारायण जी का दिन है, तो खरीदारी खूब झूम के करनी चाहिए। सर, आखिरी सवाल है, लोगों को किस तरह की अपील करना चाहेंगे, खास करके जो सनातन धर्म के लोग हैं जो तिथियों को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हैं, तो उनको किस तरह की अपील? बिल्कुल कभी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पर तो थोड़ा सा कम ही यकीन करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से लोग होते हैं जिनको थोड़ा उस तरह से ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनके फैन फॉलोअर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो वो वीडियो जब उनकी वायरल होती है तो उसके बाद कुछ और वीडियो जब आती है तो उसमें लोग कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। पर अच्छे ब्राह्मणों का, अच्छे संतों का, अच्छे महात्माओं का जो वक्तव्य होता है उसी को ग्रहण करना चाहिए और उसी को प्रचार प्रसार भी करना चाहिए, और कभी आपस में बटना नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे महात्माओं ने और शास्त्रों ने भी कहे हैं कि 1 तारीख को दीपावली मनाना है, तो आपने 1 तारीख को ही मनाना है, यही समझना चाहिए, और कभी अनेकता में नहीं जाना है। कहते हैं संगे शक्ति कलयुगे, जो कलयुग की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो एकता में ही है, तो कभी नहीं बटना चाहिए। आप बिल्कुल निसंकोच आप बढ़िया से तैयारी करिए, दीपावली मनाइए और आपके घर में सदा खुशियाँ, नित्य निरंतर उन्नति करते रहे, बढ़ती रहें, बढ़ोतरी करते रहें, और भगवती लक्ष्मी जी की और नारायण की कृपा, कुबेर जी महाराज जी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, और 1 तारीख को ही हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग 1 तारीख को ही दीपावली मनाइए,
यही बेहतर है, यही सर्वोत्तम है और यही हमारे विद्वानों ने चुना भी है।